एक लंबे समय पहले जो नामक एक किसान रहता था। एक दिन जो खेत में काम करते पशुओं को वो पानी लाने गया, जब उसने घास के ढेर में कुछ देखा। जब वो पास गया तो उसने देखा कि वो नन्हा सा घोड़ा था जो अकेले और शायद खोया हुआ था। जो ने देखा कि इस घोड़े में कुछ तो अलग था, मगर वो क्या था उसको पता नहीं चल रहा था। जो उसे घोड़ाशाह लेके गया और उसे एक छोटी सी बिस्तर में लगाया। जो ने उसे प्यारी नजर से देखा और फैसला किया कि उसे वो ईव के नाम से पुकारेगा। जैसे महीने बीते, जो ने युवा घोड़े को बढ़ते हुए देखा। उसने ईव में अंतर देखना शुरू किया। वो बाकी घोड़ों की तरह नहीं थी, और जब वो पूरी तरह से बड़ी हुई तो जो ने उसकी सुंदरता देख चौंक गया। ईव की त्वचा बादल जैसे सफेद और उसके बाल इंद्रधनुष जैसे रंगीले थे। उसके बारे में एक सबसे सुंदर चीज उसके माथे पर एक लंबी नुकीली चीज थी। ईव जैसे बढ़ती गई, जो और बाकी पशुओं की ओर उसका प्यार भी बढ़ता गया। काम के एक लंबे दिन बाद ईव घोड़ाशाल में चली गई और उसने देखा कि चारों ओर घोड़ों के साथ कुछ गलत था। वे बेचैन थे और असहज थे। मगर ईव ज्यादा नहीं सोची और अपने स्थान में जाके सो गई। बहुत देर बाद नहीं ईव सुबह सुबह एक भयानक आवाज सुन के जाग उठी। उसने देखा कि सारे घोड़े अपने स्टैलों से बाहर आए और खेत से बाहर भाग रहे थे। उसने घोड़ों की गति को पकड़ने की कोशिश की थी, ये पूछने के लिए कि वो सब कहाँ जा रहे थे और क्या कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे जवाब नहीं दिया और बस आगे देख के भागते गए। वो ये देख चौंक गई कि वो सब कुछ कह रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे समझ आया कि वो सब ग्रेचन सबसे महान है, ग्रेचन सबसे महान है का जाप कर रहे थे। उसे इसका कारण नहीं पता चला और उसे समझ आया कि वो सब ईव को सुन भी नहीं पा रहे थे। ईव ने ये भी देखा कि वे सब एक ही दिशा में भाग रहे थे। अचानक वे सब एक हरी घास और डैफोडिल्स तैरते हुए एक जगह पे आ पहुंचे, जहां ईव ने एक युवा लड़की को कालीन पे बैठे एक अजीब दिखने वाले बक्से को पकड़े हुए देखा था। उस बक्से के शीर्ष पर एक छेद था। बक्से से संगीत बाहर आ रहा था और ईव को समझ आया कि वे सब एक जादुई मंत्र के ताहत में थे और उस संगीत की दिशा की ओर जा रहे थे। ईव उलझी हुई थी क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि वो क्यों इस जादुई मंत्र के ताहत में नहीं आई थी। तब उसे समझ आया कि वो बाकियों से अलग थी। पास में उसे पानी का एक छोटा तालाब दिखा और उसमें उसने अपने आप को देखा, और तब उसे अपने आप का अंतर दिखा। उसने अपनी सफेद त्वचा और माथे पे लंबी नुकीली चीज देखी। उसने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों को बचाएगी, भले ही वो उससे अलग ही क्यों ना हो। उसने उस लड़की के जाने का इंतजार किया और किसी को बक्से के पास जाने नहीं दिया। मगर वो लड़की जा नहीं रही थी क्योंकि वो सारे घोड़ों को लेके जाना चाहती थी, ईव को भी। ईव धीरे से उस लड़की की ओर बढ़ी और अपनी लंबी नुकीली चीज से लड़की के हाथ में बक्से को ठोक दिया। बक्सा नीचे गिर गया। तब ईव ने देखा कि वो बक्से का आकार घोड़े के खुर की तरह थी, लेकिन कोई भी अन्य घोड़ा नहीं, उसका आकार बिल्कुल ईव के नुकीली के जैसा था। इसलिए उसने अपना पैर उठाया और अपना खुर उस बक्से में डाला और अचानक वो संगीत बंद हो गया। बाकी के घोड़े होश में आए और ये देख दंग रह गए कि वो सब वहां कैसे पहुंचे। लड़की बक्से की ओर भागी वापस संगीत बजाने के लिए, मगर तब तक देर हो चुका था। सारे घोड़े तेजी से अपने घोड़ाशाल की ओर भागते रहे। ईव के साथ ईव भागते हुए मुड़के देखी और मुस्काई। वो अलग जरूर थी,
मगर उसने अपने दोस्तों को बचा के अच्छा काम किया था।